यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भीम की चौरी के जाते। रियल में बोल रही हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ क्योंकि बहुत चढ़ाई है, पर हम जाएंगे और जाते। हाँ ज्यादा तो नहीं है बट मैं थक जाती हूँ, ज्यादा तो नहीं है, मैं यही तो बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं है बट थक जाते हैं क्योंकि होता है, गर्मी भी है थोड़ी थोड़ी, वैसे तो इतनी ज्यादा भी नहीं है गर्मी बट है, तो थक तो जाते ही है। और आप देख ही सकते हैं ग्रीनरी की तो कोई बात नहीं कर सकते, आपने पहले से ही देखा, आप देख सकते हैं उस समय जब ये काम स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे ही रहेगा होगा, ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ दिखने को मिलता है हमको जो हम अनबिलीवेबल होता है। और मैं देखो दौड़ के जा रही हूँ, वो लोग आके चले गए हैं तो मैं उनके पीछे 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 जा रही हूँ। कृष्णंग तो आराम से चढ़ जाएगा बट कृष्णंग की मम्मा वो थक ही जाती है, ऑलवेज थक जाती है, मुझे भी कभी दिक्कत नहीं आती। इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं है, थोड़े बहुत है। तो कुछ भी करके चढ़ना ही है, वैसे ये बोल रहे हमारी ताकत लगा के चढ़ने का। वैसे रोप वे स्टार्ट हो गई है बट सोचते हैं कि स्टेप से ही जाएंगे, शायद सबको पता है कि गिरना के स्टेप्स बहुत ज्यादा है, 9999। अब देखते हैं इस दिवाली का प्लान वहां पे जाने का है क्योंकि मेरे पापा की जॉब वहाँ पे है, तो रुकने का और स्टे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इस बार की दिवाली वहाँ पे करना है हमें। शायद कृष्ण थक चुका है, उसको पसीना भी आ रहा है तो बैठ गया है। चलो बच्चा उठो, कम ऑन। इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ बहुत कम स्टेप है, थक जाते हैं और धूप भी निकल आई है, तो ज्यादा धूप की वजह से ज्यादा थक। मॉर्निंग में जब से ज्यादा जल्दी आए होते तो इश्यू नहीं हो सके, तो सुबह में जल्दी आना ट्राई करो यहाँ पे। चलो चले, मैं भी थक गई हूं। देखो हम लोग आ ही चुके हैं ऑलरेडी, जो मंदिर जैसा दिख रहा है ना वो ऊपर की जगह है, उस जगह को शायद भीम की चौड़ी बोला जाता है, तो बस इतनी देर में हम लोग ऊपर आ चुके हैं, दौड़ के चढ़ गया। भीम की चौरी है, देखो भीम चौरी लवाना, आप देख ही सकते हो ये भीम की चौरी है, आप देख सकते हो, देखो इसका व्यू। ये इतने स्टेप चढ़ के आते उसके बाद आता है, सो रियली फाइन। तो फ्रेंड्स चलो हम थोड़े आगे जाते हैं, लिखा है अर्जुन की चौरी, जो आप सामने देख रहे हो वो भीम की चौरी है, और इस तरफ जहाँ पे कृष्णांग बैठा है वो अर्जुन की चौरी है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। चलो उसका आसपास जाके आपको दिखाता हूँ,
पुरानी जगह, बहुत प्राचीन जगह मानी जाती है। तो बस यही पे देखा उस तरफ है, वहाँ पे भी कुछ है। वो क्या है जैसे आप देख रहे हैं, थ्री गेट का टेंपल है, फर्स्ट गेट शायद, सेकंड गेट एंड थर्ड गेट बोल सकते हैं। और सामने हेडम्बर जी का पैर है ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पे लिखा है तीन गेट वाला मंदिर ऐसा लिखा हुआ है। टेम्पल भी लवाना, यानी लवाना यहाँ का गांव है। इस जगह को कलेश्वरी बोला जाता है। ट्यूब ज्यादा है तो मैंने ये डाल दिया। आप ऊपर जब भी आओ तो इतना ध्यान रखो कि ऊपर आके आपको देखने लायक थ्री जगह है ऐसा कह सकते हैं। एक तो पहला है भीम की चौरी, जो आपको अंदर आते हो तो तभी स्टेप पूरे होते हो तो तभी आती है। फिर अर्जुन की चौरी है और यहाँ थ्री द्वारका टेम्पल है। और सच में बोलूँ तो बहुत अच्छी जगह है, रियल में आना ही चाहिए। और पिकनिक करनी हो आप शांति से बैठ भी सकते हो, नाश्ता लाओ तो खा भी सकते हो, सब कर सकते हो, तो सच में यहाँ पे आना ही चाहिए। और हाँ हाँ आप आस पास का व्यू भी देख सकते हो और सब कुछ दिखता है और अच्छा भी लगता है ऐसी जगह पे। फाइनली हम जा रहे हैं, अब नीचे ही जाने वाले हैं, बट ये थक के बैठा है, उसके पापा उसे लेने गए वो बहुत ही थक गया है, वो खड़ा ही नहीं हो रहा चल बच्चा चल, बहुत थक गया है। थकने का एक ही रीजन है, मैं गर्मी और कुछ नहीं, गर्मी ज्यादा है इसलिए। सब नीचे आ गए, नीचे मिस भीम की चौरी के वहाँ आई हूँ, आके अब नीचे बैठने वाली हूँ। ये देखो ये भीम की चौरी है, अर्जुन की चौरी थी। और रियली यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है अभी, यहाँ पे मैं जहाँ पे आई हूँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा छाव है देखो आप देख सकते हो, और पवन भी अच्छी आ रही है तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप नहीं बोल सकते थक ही जाते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो थक ही जाते हैं, बट अच्छा है भी आ रही है। देखो यहाँ से आपको अर्जुन की चौरी वो दिख रही है ना, वो वही है, वो अर्जुन की चौरी है। हम वहाँ पे गए थे, फिर यहाँ पे आए, नीचे आए, अब फिर स्टेप उतर के नीचे जाएंगे। बहुत ही थक गया है तो उसके पापा ने उसे गोदी में ले लिया है और वो लेके जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। देखो स्टेप चढ़ने में दिक्कत होती है पर उतरने में कभी नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी चढ़ाई करने में होती है, इसलिए हम फटाफट नीचे जा रहे हैं, अभी ही नीचे पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हो ऊपर से जो नीचे का नज़ारा है वो बहुत ही ग्रीन है क्योंकि वो आसपास जंगल ही है तो, और अभी मॉनसून खत्म हुआ है तो बहुत ग्रीनरी है आप देख सकते हो। वो लोग बहुत ही आगे चल ले गए हैं, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, दौड़ के चला जाता हूँ। चलो नीचे आ गए तो अच्छा लग रहा है। और नीचे ऊपर से थोड़ी कम ही गर्मी है, पता नहीं ऊपर ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अब हम गाड़ी के पास ही जा रहे हैं, वो लोग नीचे एकदम नीचे चले गए, अब मैं भी जा रही हूँ। चलो आप देख सकते हो मैंने आपको ये दूर से दिखाया था, अभी मैं नज़दीक जाके दिखा रही हूँ, मेरा पैर भी दर्द हो रहा है, बट आप देख सकते हो यहाँ सब पत्थर, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, पता नहीं जा सकते या नहीं जा सकते इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हो ये सब पत्थर से क्या यार, अमेजिंग रियल में, बस बस ये तो सब आपको फिर बाद में सब कुछ दिखाया हुआ था, ये मंदिर ये सब। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, वो थक गया है बट वो फिर भी क्या कर रहा है कि मुझे कहाँ घुमा रहे हैं, देखो पानी
निशा कैसा लग रहा है आपको? तो ये लोग भी चल पड़े, अब मुझे भी पीछे पीछे जाना पड़ेगा उनके। देखो मैंने भी अब मास्क लगा लिया है क्योंकि अब हम बाहर निकल रहे हैं। और अंदर तो क्या था, पब्लिक ज्यादा थी नहीं ऐसा बोल सकते हैं। आज का यहाँ पे ही एंड करते हैं। कभी टाइम मिले तो टाइम निकाल के आना, बहुत ही अच्छी जगह है। सच में बोल रहे हैं फ्रेंड्स। और हाईवे से थोड़ा ही अंदर है, 2-3 किलोमीटर अंदर आना है, लवाना गांव है, वहाँ से 1 किलोमीटर अच्छा रास्ता है, RCC रास्ता है, और वहाँ से आप सामने आओगे तो कालेश्वरी मिलेगा। ब्लॉग का यहीं पे हम एंड करते हैं। चलो बाय, सी यू सून, बाय बाय।